द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन रीड्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सी हियर हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड फ्रॉम हियर वॉट ही ऑब्जर्व्स इज दिस इज द टावर दिस इज द टावर What he observes is this tower is at an angle of elevation of 30 degree. यहाँ पर खड़ा व्यक्ति इस टावर को देख रहा है वो टावर हमने कहा है ए बी टावर है और ये जो फुट ऑफ द टावर से इस पॉइंट से उसको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है यानी टावर अगर उसको 30 डिग्री पे दिखाई दे रहा है तो आपको ये पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो देखिए बच्चों यहाँ पर थीटा है ये है हाइट और ये है बेस ये अपोजिट साइड है और ये बेस है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अपोजिट साइड मुझे ढूंढना है बेस मुझे दे रखा है और अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करने वाला एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोआ अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड यानी टोआ यानी कौन सा टैन थीटा यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर टैन 30 डिग्री अगर मैंने ले लिया तो साइड ए बी अपॉन साइड बी सी होगा आप पूछ सकते हो सर साइन थीटा क्यों नहीं लिया साइन थीटा अगर मैं लेता तो अपोजिट बाय हाइपोटनस होता आई डोंट नो अपोजिट साइड एंड आई डोंट नो व्हाट इज हाइपोटनस दोनों पता नहीं तो क्या करोगे कॉस थीटा लेता तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटनस आ जाता ये मुझे पूछा ही नहीं है तो मुझे पूछा क्या है अपोजिट साइड मुझे पूछा है और बेस मुझे दिया है तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मुझे यूज करना पड़ेगा वो है अपर टैन थीटा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड तो टैन 30 की वैल्यू आप जानते हो इट इज 1/√3 ए बी मुझे ढूंढना है सो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ और इस बी सी को मुझे दिया है तो ये बी सी होगा 30 तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे बच्चों तो ये होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज इक्वल टू 30 तो ये होगा ए बी इज इक्वल टू 30/√3 √3 रैशनलाइज करेंगे हम इसको √3 तो ये होगा ए बी इज इक्वल टू √3 यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो √3 हो जाएगा 3 तो ये होगा 30√3/3 इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए ये हो जाएगा 10√3 meters 3 × 1 = 3 × 3 = 30 तो 10√3 meters कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं वो रूट थ्री की वैल्यू आपको दे देते हैं तो रूट थ्री की वैल्यू है 1.73 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 17.3 meters सो हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 meters एक सेंटेंस आप लिख दीजिए हाइट ऑफ टावर इज 17.3 meters या अगर टेक्स्ट बुक में 10√3 दिया है तो आप 10√3 meters भी लिख सकते हो यानी क्या किया हमने वी आर स्टैंडिंग हियर वी आर लुकिंग एट द टावर एंड वी कैन सी दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री सो अपोजिट साइड हैज टू बी कैलकुलेटेड बेस इज गिवन टू मी सो अपोजिट बाय बेस इज नथिंग बट टोया नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर सी देयर इज अ काइट हियर एंड इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड नाउ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यू सी हियर द स्ट्रिंग दिस इज द काइट एंड दिस इज द स्ट्रिंग एंड वी हैव टाइड हियर एट अ पॉइंट पी एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री Find the length of the string. You see, this is the length of the string that is asked. Assuming that there is no slack. Slack यानी there is no slack. इस तरह से वो ढीला नहीं पड़ा है यानी कहने का मतलब यह है कि एक पतंग 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है उसको एक जगह पे बांध रखा है जमीन से तो 60 डिग्री वो दिखा रहा है तो आपको क्या करना है पतंग की दौर की लंबाई आपको बताना है यानी आपको उतार के नापने की जरूरत नहीं है दिस इज व्हाट वी कॉल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी हम टावर के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है विदाउट क्लाइंबिंग द टावर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई कैन से दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर ओनली इफ आई नो दिस डिस्टेंस हियर ऑल्सो
when I know the height of the altitude of the kite, I can tell you the length of the kite. Now let us see कौन सा trigonometric ratio use करेंगे आप थोड़ा मुझे बताइए. देखिए opposite side मुझे दिया है, hypotenuse मुझे ढूंढना है, length of the string मुझे ढूंढना है. अगर length of the string मुझे ढूंढना है तो opposite side मुझे दिया है, hypotenuse मुझे ढूंढना है, and the only trigonometric ratio that connects opposite side and hypotenuse is sin theta. So SOH, so opposite side by hypotenuse. इसीलिए यहाँ पर sin theta use करना है. यहाँ पर tan theta क्यों use करना है, मैंने आपको बताया ये ढूंढना था, ये दिया था. यहाँ पर ये दिया है, ये ढूंढना है. तो what I'll do here is in triangle, in right angle triangle, what is it here K लिखा है, तो KQP लिखेंगे. नाम आप कुछ भी दे सकते हो, KQP. आप चाहे तो इसको कह सकते हो हाइट ऑफ द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द स्ट्रिंग. ये क्या है, स्ट्रिंग है और ये हाइट है और ये है ग्राउंड, जमीन है. जमीन के ऊपर इसको बांध रखा है. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, साइन 60 इज इक्वल टू KQ अपॉन KP. तो फिगर आपको ही एग्जाम में निकालना पड़ेगा. अज्यूम करो एक पतंग उड़ रहा है, उसका हाइट 7 मीटर है, लंबाई कितनी होगी. तो आप साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और KQ आपको दे रखा है उन्होंने, KQ है 16 और ये KP आपको ढूंढना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको ढूंढना है. तो इसको यस यू क्रॉस मल्टीप्लाई इसको आप कीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू KP इज इक्वल टू 120/√3 हो जाएगा. या फिर आप चाहिए तो और एक स्टेप कर सकते हो, यहाँ पर KP इज इक्वल टू 120/√3 और रैशनलाइज आप करोगे तो ये होगा √3/√3. तो ये हो जाएगा 120√3/3, तो 3 1 3 3 4, तो ये होगा 40√3 meters. दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और अगर एग्जामिनर ने आपको √3 की वैल्यू दे दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 × 1.73. तो आप इसको कीजिए, 0 4 3 12 कैरी 1, 4 7 28 प्लस 1 इज 29, सो कैरी 2, 4 1 4 प्लस 2 इज हाउ मच 69.20. फिर से एक बार देख लीजिए चाहिए तो, 4 3 12 कैरी 1, 4 7 28 प्लस 1 इज 29 कैरी 2, 4 1 4 प्लस 2 इज हाउ मच 6. सो 69.20 मीटर्स की लंबाई स्ट्रिंग की है. दिस इज व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हमको कहां पर होता है. अब यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ 1.5 बॉय टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है और यहां पर एक लड़का खड़ा है, यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर. एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 degree. वो लड़का बिल्डिंग की तरफ खड़ा है, 1.5 मीटर का है, बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, उसको 30 डिग्री पे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है. फिर वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसको फिर 60 डिग्री पे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है. तो अगर उसको 60 डिग्री पे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी जस्ट एक आप कल्पना कीजिए कि मैं खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग के ऊपर की तरफ, मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है 30 मीटर वाली बिल्डिंग, 30 डिग्री पे मुझे दिखाई दे रहा है. मैं क्या करता हूँ, कुछ कदम आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद मुझे बिल्डिंग और ऊपर दिखाई दे रही है 60 डिग्री पर. तो मैंने कितना कदम वॉकिंग किया, हाउ मच डिस्टेंस आई वॉकड. तो एक काम हम करेंगे, व्हाट विल डू इज, ये बिल्डिंग है आपका पी क्यू है और ये मान लीजिए आर है, तो ये बिल्डिंग का जो टोटल होगा ये 30 मीटर माइनस ये लड़के का हाइट अगर ले लेंगे तो ये 28.5 मीटर होगा, क्योंकि एंगल यहाँ से वो देख रहा है, वो नीचे से ऐसे नहीं देख रहा है, वो कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है. तो जिसकी वजह से उसका हाइट जो है वो होगा लेवल वाला. तो ये होगा ए क्यू की लंबाई. व्हाट विल डू इज पी क्यू की लंबाई हम लिखेंगे 30 मीटर माइनस ये लड़के का हाइट 1.5 मीटर
वो होगा 28.5 मीटर्स। कितना होगा? 28.5 मीटर्स। बिल्डिंग का हाइट हो गया 28.5 मीटर्स। अब एक काम व्हाट विल डू इज, जब पहले वो लड़का खड़ा था उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्स मीटर्स। कितना कहेंगे हम उसको? एक्स मीटर्स कहेंगे। और जो ये डिस्टेंस है सेकंड पोजीशन का, उसको हम कहेंगे वाई मीटर्स। द पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बॉय फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज एक्स मीटर्स, सेकंड पोजीशन इज वाई मीटर्स। तो ये एक्स माइनस अगर वाई मैं कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है। यानी पहले मैं इतना दूर था, अब मैं इतना दूर हूं, तो इस दूरी में से इस दूरी को अगर मैं घटा दूं तो मुझे पता चलेगा कितना डिस्टेंस आई हैव ट्रेवल्ड। सो व्हाट आई डू इज, तो इनिशियल पोजीशन बी एक्स, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ बॉय बी एक्स मीटर एंड लेटर नेक्स्ट डिस्टेंस बी वाई। तो बच्चों एक काम, वाई मीटर्स, ऑफकोर्स वाई मीटर्स होगा वो। अब एक काम करेंगे बच्चों, वी विल टेक दिस ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस देखिए अपोजिट साइड आपको दिया है, बेस आपको ढूंढना है, और अपोजिट साइड और बेस को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है टोआ, अपोजिट बाय एडजेसेंट टोआ। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस टैन 30, टैन मैंने क्यों लिया, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट हमको पता है, ये बेस हमको पता है, तो टैन 30 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। तो बच्चों टैन 30 की वैल्यू है 1/√3, टैन 30 की वैल्यू है 1/√3, पी क्यू इज इक्वल टू 28.5, क्यू एस है एक्स, क्यू एक्स है एक्स, तो एक्स तो मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर्स। ये हो गया मेरा x की वैल्यू, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब मुझे ये दूरी चाहिए, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप, पी क्यू आर। यहां पर ये अपोजिट साइड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, तो अपोजिट बाय बेस आप ले लीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर टैन 60 की वैल्यू आप लीजिए। क्यों टैन 60 लेना है सर? बिकॉज अपोजिट साइड और यहां पर ये बेस है और हमको ये डिस्टेंस ढूंढना है, तो टैन 60 इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू अपॉन क्यू आर। सो टैन 60 इज हाउ मच, √3 बाय पी क्यू का लेंथ है, द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 28.5 और ये क्यू आर यहां पर है, या क्यू आर को आप y बोल सकते हो, हमने यहां पर इसको y कहा है। तो यहां इसको अगर आप लोगे तो y इज इक्वल टू 28.5/√3। तो यहां रैशनलाइज कीजिए आप, 28.5/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज मैंने किया, तो y इज इक्वल टू 28.5√3, √3 × √3 इज 3, सो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 एंड 3 × 5 = 10, सो y इज इक्वल टू 9.5√3 मीटर्स। दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड पोजिशन, यहां से कितनी दूरी पर है, 9.5√3 पर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी दिस एक्स माइनस वाई विल बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी यहां पर वो पहले खड़ा था
और बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला गया, यानी एसआर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। तो एक्स कितना है, एक्स है 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। तो अगर आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, 28.5 माइनस 9.5 और रूट 3 को कॉमन ले लीजिए और आप इसको माइनस करोगे बच्चों तो ये होगा 19 रूट 3 मीटर्स। 28.5 माइनस 9.5 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 19 रूट 3 मीटर्स, यानी द डिस्टेंस दैट ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19.5 मीटर्स। द डिस्टेंस वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज हाउ मच, टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 रूट 3 मीटर्स। तो इस तरह से हम ना बिल्डिंग के ऊपर हमने चढ़ा ना बिल्डिंग की तरफ हम गए, फिर भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हमने क्या किया, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेकर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमने किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू।